न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां के कलेक्ट्रेट बाणसागर सभागार में गूगल मीट से रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने बाणसागर परियोजना से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति एवं राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारी बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा करके 15 जून तक राहत एवं बचाव कार्य से जुड़ी तैयारियां पूरी कर लें। वहीं बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाने के लिए स्थानों को चयन से लेकर बचाव दल, राहत के उपकरण, दवाओं, खाद्य सामग्री की आपूर्ति तथा बिजली एवं पानी की व्यवस्था से जुड़ी हुई कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए समय समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान भी आवश्यक है। वहीं जिला तथा तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण केंद्र स्थापित करके इनमें प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात कर दें। सूचनाओं का एक दूसरे को लगातार आदान प्रदान करते रहें। वहीं बांधों से पानी छोड़े जाने अथवा लगातार वर्षा की स्थिति में सभी जिलों में सतत संपर्क में रहें। बाढ़ में जनधन की हानि को रोकने और शासकीय संपत्ति की सुरक्षा के भी प्रयास करें। कमिश्नर ने कहा कि बाणसागर बांध की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में बाढ़ संभावित क्षेत्र चिन्हांकित है। अपस्ट्रीम में सतना तथा शहडोल जिलों में बांध के जलभराव क्षेत्र में अस्थायी बस्ती बनाकर खेती की जाती है। वहीं इन क्षेत्रों से 15 जून तक सभी बस्तियां हटा दें। सभी SDM अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लें। बाढ़ से बचाव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को भी जोड़ें। इस ग्रुप में गांव के कुछ व्यक्तियों तथा पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे मैदानी कर्मचारियों को भी शामिल करें। सही समय पर सही सूचना मिलने से राहत और बचाव कार्य में आसानी होगी। बाणसागर बांध की डाउनस्ट्रीम में सीधी तथा सिंगरौली जिले के 129 गांव बाढ़ संभावित हैं। वहीं आपदा प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिनके अनुरूप कार्रवाई करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए समय रहते तैयारियां कर ली गई हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी तत्परता से बाढ़ से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करें। समन्वय के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना बनाए। वहीं आपदा प्रबंधन के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों के कुछ आम नागरिकों के मोबाइल नंबर भी शामिल करें, जिससे समय समय पर गांव में सूचना भी दी जा सके। सभी कंट्रोल रूम एक दूसरे से सूचनाएं साझा करें। बैठक में अपर कमिश्नर छोटे सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई कार्य योजना को तत्काल अपडेट कर लें। बैठक में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने कहा कि बाणसागर बांध के गेट खोलने के प्रोटोकॉल की पुनः समीक्षा करें। गत 5 वर्षों की वर्षा के आधार पर इसमें संशोधन करें। हर माह बांध भरने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 1 फुट कम बांध भरकर रखेंगे तो असामान्य वर्षा में अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों में मंदिर, पक्के मकानों तथा बिजली के खंभों में भी निर्धारित ऊंचाई पर लाल निशान लगाते हुए ग्रामवासियों को इस बात के लिए आगाह करें कि निशान तक पानी आने पर वो गांव छोड़ दे। बैठक में कलेक्टर शहडोल वंदना वैद, कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान, कलेक्टर सिंगरौली RR मीणा तथा कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने उनके जिलों में बाढ़ एवं बचाव के लिए दिए गए उपायों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य अभियंता गंगा कछार, RC त्रिपाठी ने बाणसागर बांध के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बांध के जलभराव के क्षेत्र में 79 गांव आंशिक रूप से डूब में आते हैं। इन गांव में ही बाढ़ की समस्या होती है। वहीं बांध के पूरे क्षेत्र को 6 जोन में बांटकर जोनल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। कटनी जिले के 27 गांव तथा उमरिया जिले के 18 गांव बांध के बैक वाटर से प्रभावित होते हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग को अतिवर्षा की स्थिति में जलमग्न में होने वाले पुल पुलियों में संकेतक तथा बैरियर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में DIG मिथिलेश शुक्ल, पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा शिव कुमार वर्मा, उप संचालक सतीश निगम तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।